राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल रामकथा के पाठों पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम दो वरदान भाग 1। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद 4 पुत्रों का जन्म होता है। सबसे बड़े राम और उनसे छोटे लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के अनुरोध पर राक्षसी ताड़का का वध कर देते हैं। इसके बाद मुनि विश्वामित्र राम के साथ जनकपुर जाते हैं, जहां वो शिव के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ देते हैं और उनका विवाह सीता से हो जाता है। महाराज दशरथ राम के राज्याभिषेक का निर्णय करना चाहते हैं। अब सुनिए इससे आगे की कहानी। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम ये जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वत्ता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वो प्राणों से प्यारे थे ही। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया जैसा बन पड़ा। अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मैं वृद्ध हो चला हूं। मैं चाहता हूं कि ये कार्यभार राम को सौंप दूं। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूं। सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। ये समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे, वो अपने नाना केकय राज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। ये जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन
राम का राज्याभिषेक होने वाला है। केकय से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की, कहा कि भरत यहां नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, पुत्र, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राज धर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी, मंथरा ने। शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। ये उत्सव उसी के लिए है। मंथरा जल भुन गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा, कैकेयी के विरुद्ध। वो कैकेयी की दासी थी। बचपन से कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वो कैकेयी की मुंह लगी थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भागी, सीधे कैकेयी के कक्ष में। वो हांफ रही थी, क्रोध से चेहरा लाल था, भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। ये समय सोने का नहीं है, होश में आओ। विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है? तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। कैसा कुशल, कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। ये तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। मंथरा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल
राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? हाँ, कल सुबह राज्याभिषेक है, भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया, उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, मंथरा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, वह मुझे माँ के समान मानते हैं, तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं है, राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे, राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ, उसके लिए ये दशरथ का षड्यंत्र था। वो रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई, उनके बहुत निकट। कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता, दुख की जगह प्रसन्नता होती है, इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, भरत राम के दास हो जाएंगे, वो राजा नहीं बनेंगे, राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी, राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे, वे भरत को दंड देंगे, इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी, कोई ऐसा उपाय करो कि राज गद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा, उनका सिर चकरा गया, वो पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया, प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। मंथरा, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें दो वरदान दिए थे, दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो, एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था, उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी, उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, ये बात दशरथ से कैसे कहें, उन्हें रनिवास बुलवाएं या प्रतीक्षा करें।
मंथरा ने कैकई के मन की बात भांप ली। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना। मैं ऐसा ही करूंगी। महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया। चलते चलते उसने रानी कैकई से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी कैकई कोप भवन चली गई। मंथरा रनिवास से निकल गई। बाल राम कथा। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। मुख्य विषय समन्वयक प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, आलेख मधुकर उपाध्याय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार राकेश पंडित, कलाकार मंजू मैनी, राम मैनी, गीता वर्मा और आशा ब्राउन, ध्वनिंकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।